अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई में मतदान के दिन हिंसक झड़प के बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 लागू है और लगातार क्षेत्र में गश्त जारी है। मतदान के दिन जुगसलाई में बूथ संख्या 171 में दो राजनीतिक दलों में विवाद उत्पन्न हुआ था। बाद में इसी विवाद ने सांप्रदायिक रूप पकड़ लिया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हुए। पुलिस कप्तान ने मोर्चा संभालते हुए रैफ और सीआरपीएफ जवानों को उतारा और मामले को नियंत्रण में लिया गया। फिलहाल इलाके में लोगों में भय जरूर व्याप्त है, पर शांति कायम है और अभी जनजीवन सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हिंदूवादी संगठनों ने जुगसलाई की घटना पर पुलिस कप्तान से भेंट की और विशेष समुदाय के लोगों का षड्यंत्र बताया है। हिंदूवादी संगठनों ने अमित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस कप्तान को मांग पत्र सौंपते हुए विशेष समुदाय के लोगों को दोषी ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंडल है और विषय आप लोगों की जानकारी में है कि जुगसलाई में जो घटना हुई है अभी मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं के घरों पे पथराव। मैटर इस तरह का था कि वोटिंग से संबंधित था, दो पार्टियों का मैटर, लेकिन जो पथराव हुआ हिंदुओं के घरों में, आखिर उन लोगों का टारगेट क्या था? टारगेट यही है कि हिंदू समाज को डरा करके जुगसलाई में जो बचे खुचे घर हैं हिंदुओं के, उनको डर से पलायन करवा देना और उन घरों पर कब्जा कर लेना। उधर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुगसलाई की घटना को पूरी तरह से राजनीतिक बताते हुए कहा कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, जो गलत है। महागठबंधन के नेताओं ने मंगलवार को उपायुक्त से मुलाकात कर जुगसलाई मामले की निष्पक्ष जांच करने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। माननीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम और माननीय सीनियर एसपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की है। जुगसलाई की घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो भी पुलिस कर्मियों को चोट लगी है इससे हम लोग खुद भी आहत हैं और हम लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। लेकिन उस के पीछे जो भूमिका है, जो धार्मिक भूमिका एक एंगल दिया जा रहा था वोट को पोलराइज करने का, तो ये कहीं पर भी जो है ये धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। और राजनीतिक में भी एक पक्ष दूसरे पक्ष के मतों को प्रभावित करने के लिए जो बूथ के बाहर के लोग हैं उनको वहाँ एंट्री करा रहे थे और बूथ कब्जा की लड़ाई थी, इसका विरोध जो है महागठबंधन के लोगों ने किया। तो हमने उपायुक्त और सीनियर एसपी साहब को कहा है कि भाई इसकी जांच कीजिए और जो दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, हम लोग उसके पक्षधर हैं। लेकिन नाहक निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना और राजनीतिक नफा नुकसान के दृष्टिकोण पर कार्रवाई करना ये उचित नहीं है। चैम्बर भवन में मंगलवार को टैक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापारी शामिल हुए। समय समय पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस तरह के सेमिनार का आयोजन कर व्यापारियों को कर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है या फिर कर अदा करने में आ रही परेशानियों को दूर किया जाता है। सेमिनार में अलग अलग राज्यों से जाने माने सीए शामिल हुए जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने संबोधन में GST और आयकर से संबंधित कई अहम जानकारियों को साझा किया। 22% टैक्स एंड फाइनेंस आज चैम्बर सभागार में फुल डे का सेमिनार है। इसमें कोलकाता से आए विशेषज्ञ अनुज लोहिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए मयूर अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट और असीम प्रकाश चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अनुज लोहिया जी आए हैं वो GST एंड एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट पे अपना विशेषज्ञ प्रति। मंगलवार की शाम मौसम ने करवट बदला और काले बादल के साथ आंधी और तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। मंगलवार की शाम को अचानक मौसम ने करवट लिया और तेज आंधी और मूसलाधार वृष्टि आरंभ हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश ने तापमान में गिरावट लाते हुए मौसम को सुहाना कर दिया। उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। डाकघर में यूं तो कहा जा रहा है कि पासपोर्ट बनाने के लिए अब प्रक्रिया सरल कर दी गई है, पर सच्चाई कुछ और है।
यूं तो दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया है और पहले जो जटिल प्रक्रिया थी उसे सरल कर दिया गया है, पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आए लोग परेशान हैं और प्रबंधन को कोस रहे हैं। समय का जो टाइम दिया गया तो उन्हें 2 घंटे बाद पूरा। क्या काम से आए आप यहाँ पे? पासपोर्ट बनवाना है। तो क्या बोला जा रहा है? उनकी समय है, हम लोग का आदमी नहीं है, कभी एक आदमी गायब हो रहा है, कभी दूसरा आदमी गायब। मैंने आप बाकी कुछ बंदोबस्त बैठने उठेगा? न बैठने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराष्ट्र मंडल में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं। लंबी सांस लेंगे और अब पूरे जोश के साथ इन 1 इन 2 5 इन 6 इन 7 10 इन 11 सभी आंखें बंद रखें, ओम के लिए सांस भरेंगे। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। नमन संस्था द्वारा मंगलवार को शहीद बैकुंठ शुक्ल को उनकी शहादत दिवस पर याद किया गया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, हर 3 महीने पर जेल उनका मदद पर, विभूतिभूषण दास। वो बनारस से आ रहे थे और बिस्मिल और इन सबों का वो हिंदी में वो थोड़ा सा अपने बुजुर्गों को सुनिए अच्छे से, ये आपके लिए काम की चीज़ है। इतिहास का पाठ ढेर रख के सुना जाए 5 मिनट। हम ज़्यादा समय कोशिश करते हैं, ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इसको दरअसल ले जाने की आवश्यकता है जन जन तक, तभी भगत सिंह पैदा हो। आज के एटमोसफेयर में पैदा होने वाला नहीं है। तो उस हालत में